का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों सीपीवीसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोनाइटेड पॉलीवाइनल क्लोराइड। सीपीवीसी का ये फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये है एल्बो। ये एल्बो कहाँ पे यूज़ होता है? एल्बो दोस्तों वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम लोगों को अगर पाइप लाइन मोड़नी हो, लाइन को मोड़ना हो 90 डिग्री में, एल्बो वहाँ पे हम लोग ये एल्बो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कैसे यूज़ किया हुआ है एल्बो। अब आते हैं दोस्तों टी। ये टी कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों? अगर वो आपकी कोई लाइन बीच में से, अगर पाइप जा रहा हो, कोई लाइन आपको बीच में से निकालनी हो, एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना हो, आपको पॉइंट निकालना हो, वहाँ पर हम लोग ये टी का यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये है सॉकेट। सॉकेट हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों का पाइप को दोबारा से जोड़ना रहता है, वहाँ पे हम लोग ये सॉकेट को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी लंबी लाइन कोई है, लंबी लाइन 10 फिट का पाइप है, 10 फिट के बाद आपको 15 फिट पाइप जोड़ना है, तो वहाँ पे सॉकेट यूज़ करके पाइप को जोड़ते हैं, वहाँ पे हम लोग ये सॉकेट का यूज़ करते हैं। ये है 45 डिग्री एल्बो। 45 डिग्री दोस्तों कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं? 45 डिग्री एल्बो हम वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोगों को क्रॉस लाइन चाहिए होती है। 45 डिग्री में लाइन चाहिए होती है, वहाँ पे हम लोग ये 45 डिग्री यूज़ करते हैं, 45 डिग्री एल्बो। ये है मेल थ्रेड सॉकेट। मेल थ्रेड सॉकेट का दोस्तों ये काम है, जैसे कि हम लोग पीपीआर का लाइन से सीपीवीसी लाइन हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग मेल थ्रेड सॉकेट का यूज़ करते हैं। मेल फीमेल को टाइट करके हम लोग पीपीआर से सीपीवीसी में कन्वर्ट करते हैं। फीमेल थ्रेड सॉकेट का भी दोस्तों यही काम है। फीमेल थ्रेड सॉकेट का भी यही काम है कि हम लोग एक साइड में पीपीआर में फीमेल अटैच कर देंगे, चाहे सीपीवीसी में फीमेल कर देंगे और पीपीआर में मेल कर देंगे, उसको हम लोग टाइट करके अपना पीपीआर से सीपीवीसी लाइन कर सकते हैं। सेम वर्किंग ये भी करता है, आप उल्टा कर सकते हो, पीपीआर को मेल थ्रेड पीपीआर में डाल सकते हो, फीमेल थ्रेड सीपीवीसी में डाल सकते हो, दोनों को इधर उधर करके आप जोड़ सकते हैं लाइन को। ये दोस्तों ब्रास एल्बो। ब्रास एल्बो दोस्तों कहाँ पर यूज़ होता है? ब्रास एल्बो वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हम लोगों को नल लगाना होता है, अपना टैब लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट बनाने के लिए हम लोगों को ब्रास एल्बो की ज़रूरत पड़ती है। ये 3x4 का 1/4 इंची x 1/2 इंची का ब्रास एल्बो है। ब्रास थ्रेड इसका 1/2 इंची है, 1/4 इंची पाइप का थिकनेस है। ये है ब्रास टी। ब्रास टी हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई लाइन सेम जा रही है, लाइन के अंदर ही हम लोगों को कोई टैब लगाना है, तो वहाँ पर हम लोग ये लाइन के अंदर टैब लगाना है, तो वहाँ पर हम लोग ये ब्रास टी यूज़ करते हैं। इस ब्रास टी का भी साइज 1/4 इंच है। ये 1/2 इंच इसका ब्रास थ्रेड है और 1/4 इंच इसका पाइप का थिकनेस है। ये है यूनियन। यूनियन का दोस्तों काम क्या है? दो पाइप को एक साथ जोड़ना। सॉकेट से भी हम लोग दो पाइप को एक साथ जोड़ते हैं, लेकिन सॉकेट अलग अलग फिर से नहीं हो पाता है, यूनियन अलग अलग फिर से पाइप को कर सकता है, इसलिए इसका नाम यूनियन रखा गया है। और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों ये ज़्यादातर यूज़ टैंकी में किया जाता है और ये मोटर में किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? अगर आपका मोटर कुछ प्रॉब्लम हो तो यूनियन खोल के मोटर को अलग कर सकते हो आप, टैंकी में कुछ प्रॉब्लम हो तो टैंकी खोल के यूनियन को आप अलग कर सकते हो, इसके लिए ये यूनियन का यूज़ किया जाता है। ये है बोलवाल। बोलवाल का यूज़ वहाँ किया जाता है। बोलवाल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, ज़्यादातर टैंकियों के पास नहीं किया जाता है, इससे खाली पानी बंद और चालू करने के लिए किया जाता है बोलवाल का यूज़। ये है रेड्यूसर। रेड्यूसर का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रेड्यूसर एक साइड 1 इंच का पाइप है, 1 इंच का पाइप से आपको 1/4 इंच का पाइप करना है, तो वहाँ पे आप रेड्यूसर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये है रेड्यूसर बुशिंग, सेम काम करता है लेकिन ये जगह कम लेता है। किसी सॉकेट के अंदर लगा के इसको रेड्यूसर प्रोड्यूस करके सॉकेट के अंदर लगा के इसको वन इंच सॉकेट के अंदर इसको लगा के इसको 1/4 इंच का पाइप किया जा सकता है। यह है दोस्तों रेड्यूसर एल्बो। रेड्यूसर एल्बो का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ से 1 इंच का लाइन कहीं से आ रहा हो और हमको 1/2 इंच बेंड करना हो चाहे 1/4 इंच बेंड करना हो, वहाँ पे हम लोग रेड्यूसर एल्बो का यूज़ करते हैं। 1/2 से 1/2 इंच में चाहे 1/4 इंच में, वहाँ पर हम लोग रेड्यूसर एल्बो का यूज़ करते हैं। यह है आपका रेड्यूसर टी। रेड्यूसर टी का यूज़ कहाँ किया जाता है? रेड्यूसर टी का यूज़ वहाँ पे किया जाता है अगर कोई 1 इंच का लाइन जा रहा हो, उसका एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को 1/2 इंच निकालना हो चाहे 1/4 इंच निकालना हो, तो वहाँ पे हम लोग रेड्यूसर टी का यूज़ करते हैं। ये दोस्तों एंड प्लग। एंड प्लग हम लोग जहाँ पे ब्रास एल्बो, ब्रास टी, नल टैब लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसको एंड प्लग का यूज़ किया जाता है। ये प्लग थोड़ा लंबा होता है, हम लोग खोलने और टाइट करने के लिए इजी होता है। इसको हम लोग लगा के पाइप की टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये एंड प्लग का यूज़ करते हैं। ये है दोस्तों एंड कैप।
ये डायरेक्ट अगर कोई पाइप अगर आपका निकल रहा है वहाँ के, आपको स्टॉप करना है, वहाँ पे आपको स्टॉप करना है, तो डायरेक्ट इस प्लग को, इस कैप को लगा दिया जाता है, इसका नाम है एंड।